नमस्कार दोस्तों, मैं सालिनी आपका अपने YouTube चैनल पर फिर से स्वागत करती हूँ। तो आज दोस्तों हम कुछ निबंध और उसके लेखकों के बारे में पढ़ेंगे। तो आज का हमारा टॉपिक है निबंध और उसके कुछ लेखक। तो ये जो निबंध है दोस्तों, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके राइटर का नाम एग्जाम में बहुत ही पूछा जाता है, इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके डेली आपके लिए कुछ ना कुछ रचनाएं और उनके लेखक और उनके राइटर का नाम लेके आऊंगी। तो आज इसी क्रम को आगे रखते हुए हम जल्दी जल्दी इन लेखकों के नाम और इनकी रचनाओं को पढ़ते हैं। तो सबसे पहला है गुणाहों का देवता, बहुत ही इम्पोर्टेंट निबंध है, जिसके रचनाकार या जिसके लेखक कौन है, धर्मवीर भारती जी हैं। इन्हीं का एक और इम्पोर्टेंट निबंध है अंधा युग। तो पूछा जाता है ये रचना किसकी है, गुणाहों का देवता, धर्मवीर भारती, देन अंधा युग, धर्मवीर भारती, सूरज का सातवां घोड़ा। ये बहुत पूछा जाता है, सूरज का सातवां घोड़ा, अंधा युग, गुणाहों का देवता, ये सब बहुत ही इम्पोर्टेंट है। मैं आप लोगों के लिए जो बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है वही ले लेके आ रही हूँ। देन आएगा ठेले पर हिमालय, धर्मवीर भारती। ये चार निबंध आपके धर्मवीर भारती के हैं, गुणाहों का देवता, अंधा युग, सूरज का सातवां घोड़ा, ठेले पर हिमालय। अशोक के फूल एक और निबंध है, अशोक के फूल, हजारी प्रसाद द्विवेदी। गेहूं और गुलाब, ये बहुत ही अच्छा निबंध है, आप लोग किसी क्लास में पढ़े जरूर होंगे, चाहे ये 9th 10th में रहा हो या 11th 12th में, किसी भी क्लास में रहा होगा, मुझे याद तो नहीं आ रहा बट पढ़े जरूर होंगे। राम वृक्ष बेनीपुरी का ये प्रमुख है, गेहूं और गुलाब। चिता के फूल, गुलाब राय, क्या भूलूं क्या याद करूं, हरिवंश राय बच्चन। नीड का निर्माण फिर से, हरिवंश राय बच्चन। तो ये हमारे कुछ प्रमुख निबंध और उनके लेखक हैं, इनको आप लोग नोट कर लीजिए और बहुत अच्छे से इनको एक दो तीन बार पढ़ेंगे तो आपको अच्छे से याद हो जाएगा।